Hello my dear friends, this is Engineer's Pride and myself Sarvesh Srivastava welcomes you all for today's topic of discussion, Elements of Project. हमने previous lecture में project management जहाँ start किया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो project management जो word है, ये दो words से मिलके बना है, project और दूसरा management. तो first of all हम लोग project को पूरी तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर management को पूरी तरीके से समझेंगे और तब इन दोनों को मिला करके हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाएगी. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट क्या होता है, डिफरेंट लोगों ने या किसी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डिफिनेशन दी है प्रोजेक्ट की और कितने टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी. अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, वो कुछ इंपॉर्टेंट नॉमनक्लेचर जो कि बार बार इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको सुनने को मिलेगा, तो आपके माइंड में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहनी चाहिए पहले से ही कि जैसे कि ये जो एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट में ये बजट क्या होता है, क्लाइंट या स्पॉन्सर्स क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, प्रोक्योरमेंट का क्या मीनिंग है, प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, प्रोजेक्ट टीम का क्या काम है, प्रोजेक्ट शेड्यूल क्या होता है, इसी तरीके से क्वालिटी का क्या मीनिंग है, रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है, प्रोजेक्ट में रिस्क का क्या मतलब होता है, या फिर स्कोप ऑफ वर्क का क्या मीनिंग होता है. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने होंगे और आइए वन बाय वन हम लोग अब एक एक चीज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. बजट बड़ी आसानी से आप लोग समझ सकते हैं इसका मीनिंग कि बजट का मतलब क्या है. ऑब्वियसली किसी भी प्रोजेक्ट में जितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वही कहलाता है बजट. लेकिन पे जो प्रोजेक्ट को जब हम लोग हैंडल करते हैं तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को ही नहीं देखते हैं, हम लोग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं. एक हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, तो उस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग इस बजट को कई सारे वर्क एलिमेंट्स के बजट पर वर्क एलिमेंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और तब उस हिसाब से हम लोग वर्कआउट करते हैं. तो यहाँ पर आप थोड़े से दो मैं कुछ की वर्ड्स लिखते जाऊँगा इनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट की वर्ड्स हैं वो हमें पता होने चाहिए. कभी अगर कहीं थ्योरी में हमें अगर लिखने का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें पता रहना चाहिए और कई बार इन्हीं थ्योरी से कई सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन जाते हैं. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS subdivides the budget, per work packages. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, या फिर आपको सबसे पहले क्या लिखना चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था, यहां लिख देते हैं. इट इज द मनी इन्वेस्टमेंट या इट इज द मनी इन्वेस्टेड in the project to handle the resources. Okay, my dear friends, ये वो पैसा है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाता है जिससे कि हम लोग रिसोर्सेस को हम लोग खरीद सकते हैं, रिसोर्सेस को हम लोग लेके आएंगे और अपने प्रोजेक्ट को कैरी आउट करेंगे. ओके माय डियर फ्रेंड्स,
सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स. क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स. तो क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स ये क्या हैं? ऑब्वियसली ये वो लोग हैं जो लोग इस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, इस बिजनेस में बजट को प्रोवाइड कर रहे हैं और जिनको इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से बेनिफिट होने वाला है, जिनको इनकी कुछ एक कॉरपोरेट रिक्वायरमेंट होती है वो कॉरपोरेट रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, वो लोग कहलाते हैं क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स. तो इसको भी लिख लीजिए. इसकी डेफिनेशन लिखिए. Those who provides the budget so as to develop the business case to fulfill corporate requirements and corporate strategies. ओके, थर्ड पॉइंट इज स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स ये वो लोग होते हैं जो कि जिनकी कोई एक स्पेशल नीड या कोई स्पेशल एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ, और ये लोग ये चाहते हैं कि हमारी उस स्पेशल नीड को आइडेंटिफाई किया जाए और उसे सॉल्व किया जाए. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें लिख लीजिए. Those persons associated with project particular needs and expectations to be identified and addressed. ओके फ्रेंड्स, नोट करें यहां तक. फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट इज
procurement. What is the meaning of procurement? प्रोक्यूरमेंट ये एक ऐसा वर्ड है जो कि परचेज के लिए यूज किया जाता है और थोड़ा मैनेजर लैंग्वेज में या थोड़ा एलाइट क्लास में हम लोग इसे परचेज वर्ड ना यूज करके प्रोक्यूरमेंट वर्ड यूज करते हैं. तो प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी कंपनी में कई बार ऐसा होता है कि कई सारे प्रोडक्ट्स हमें बाहर से खरीदने पड़ते हैं. किसी भी प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमें कई सारे रिसोर्सेज या कई सारे कंपोनेंट्स बाहर की किसी वेंडर कंपनी से हमें परचेज करने पड़ते हैं. तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है प्रोक्यूरमेंट. और ये जो प्रोक्यूरमेंट होता है इसको हम लोग एक प्रोक्यूरमेंट शेड्यूल और प्रोक्यूरमेंट प्रोसेसेस को फॉलो करके ही हम लोग अचीव कर पाते हैं. तो ये सारी चीज़ें लिख लीजिए. प्रोक्यूरमेंट का मीन्स परचेज या ब्रैकेट में आप या डायरेक्ट आप प्रोक्यूरमेंट ही लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा. प्रोक्यूरमेंट की मीनिंग होती है परचेज करना. प्रोक्यूरमेंट ऑफ कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स From outside vendor company, from outside vendor company through procurement processes. And procurement schedule. Okay. Next point is project charter. Note कीजिए पीछे की चीजों को. आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया होगा. प्रोजेक्ट चार्टर का मतलब ये होता है कि इस प्रोजेक्ट में हमें क्या अचीव करना है, क्या हमारा टारगेट है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बताता है प्रोजेक्ट चार्टर. तो इसका भी की पॉइंट्स लिख लीजिए. ठीक है फ्रेंड्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या स्कोप है इस प्रोजेक्ट का और हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा, ये प्रोजेक्ट चार्टर में डिफाइन होता है. आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में हम लोग जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसको कई सारी फेजेस में डिवाइड कर देते हैं और उनको एक सीक्वेंस में, सीक्वेंशियल फेजेस में हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं किसी टाइमलाइन बेसिस पे कि सबसे पहले कौन सी फेज अचीव की जाएगी, उसके आगे कौन सी फेज, उसके आगे कौन सी फेज,
कितना टाइम लगेगा। इसके साथ साथ हम लोग ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे लिखिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सीक्वेंशियल फेजेस अलोंग द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। ओके फ्रेंड्स, अलोंग द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्ट मैनेजर। कौन होता है प्रोजेक्ट मैनेजर? प्रोजेक्ट मैनेजर वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी की लीडरशिप में वो पूरा प्रोजेक्ट कैरी आउट किया जाता है, वही उस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करता है। बेसिकली इसके नीचे एक प्रोजेक्ट टीम होती है जो कि PMO प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऑफिस में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में बैठती है वो प्रोजेक्ट टीम, और उस प्रोजेक्ट टीम को ये प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और उनसे हमेशा टाइम टू टाइम बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे फीडबैक लेता रहता है। कि पहले वो बताता है कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है, और फिर अपनी टीम से वो फीडबैक लेता रहता है कि कितना काम हो गया, कितना कहाँ तक पहुँचा। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो इन्वेस्टर किया था, जिसने पैसा लगाया था, जो क्लाइंट या फिर कहते हैं प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स थे, वो जाके किसी मजदूर से या जाके किसी इंजीनियर से जाके किसी और से वो बात नहीं करते हैं, वो सीधे प्रोजेक्ट मैनेजर के कॉन्टेक्ट में रहते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर से ही वो डायरेक्ट पूछते हैं कि हाँ भाई, एक महीने बाद जब उनको कभी ख्याल आता है स्पॉन्सर को कि हाँ भाई देखा जाए कहाँ तक पहुँचा, तो वो सीधे प्रोजेक्ट मैनेजर से ही कॉन्टेक्ट करते हैं। और या फिर प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, और प्रोजेक्ट में ये जो प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाली जो टीम है उन्हें स्पॉन्सर्स को कुछ बताना है, तो सीधे प्रोजेक्ट मैनेजर ही उनसे कॉन्टेक्ट करेगा। एक तरीके से इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने वाली जो पूरी टीम है, जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं, उन लोगों और स्पॉन्सर्स के बीच में या क्लाइंट के बीच में ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ये एक ब्रिज का काम करता है। ओके, तो सिंपली इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। Responsible to achieve the objectives and project deliverables। किसी प्रोजेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या डिलीवरी करनी है, क्या एक्सपेक्टेशन, क्या उम्मीदें हैं लोगों की, ये चीज करने के लिए जो आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है वो कहलाता है प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, नोट कीजिए ये सारी चीजें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो हम लोग ऊपर से डिलीट करके आगे बढ़ते हैं।
एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोजेक्ट टीम। प्रोजेक्ट टीम, जैसा कि मैंने बताया, ये वो लोग होते हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में काम करते हैं, और पीएमओ ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है। प्रोजेक्ट मैनेजर के ऑफिस में ये लोग बैठते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और सारा काम किया जाता है इस तरीके से। ये लोग वर्कर्स को, ये लोग सप्लायर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, या फिर और जो कहते हैं कंसल्टेंट हैं, इन लोगों को ये लोग डायरेक्शन देते हैं, ये लोग उन लोगों से काम करवाते हैं। इसकी की पॉइंट्स लिख लीजिए इसके लिए। प्रोजेक्ट टीम वर्क्स अंडर प्रोजेक्ट मैनेजर sitting in the project, sitting in the project management office, PMO, sitting in the project management office, and handles the workers, contractors, suppliers, and consultants, okay? तो ये होती है प्रोजेक्ट टीम। अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्ट शेड्यूल। व्हाट इज प्रोजेक्ट शेड्यूल? क्या पता चल रहा है आपको इससे? अरे क्या हम लोग काफी जगह छोड़ के लिख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। प्रोजेक्ट शेड्यूल में हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस का यूज करके हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी एक्टिविटीज हैं इस प्रोजेक्ट में होने वाली, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन सबका हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको फाइंड आउट करते हुए, फिर क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करते हैं, फिर क्रिटिकल एक्टिविटीज को फाइंड आउट करते हैं, और ये जो क्रिटिकल पाथ हमने फाइंड आउट किया था उसकी हेल्प से हम लोग प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को निकालते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो वहां से फिर हमें इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन या प्रोजेक्ट का शेड्यूल मिलता है। और गैंट चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है प्रोजेक्ट शेड्यूल को रिप्रेजेंट करने या फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। बाय द यूज ऑफ क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजर कैलकुलेट्स start and finish
टाइम ऑफ एक्टिविटीज देन क्रिटिकल एक्टिविटीज देन क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड टू फाइंड आउट द प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड टू फाइंड आउट द प्रोजेक्ट शेड्यूल आगे लिख लीजिए गैंट चार्ट इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर रिप्रेजेंटिंग शेड्यूल इंफॉर्मेशन अभी आप लोग सिर्फ ये गैंट चार्ट का नाम नोट कर लीजिए आगे आने वाला ये एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गैंट चार्ट होता क्या है इसमें हम लोग टाइमलाइन बेसिस पे देखते हैं कि कितनी मशीनें कितनी टाइम तक बिजी हैं और सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल करके तो अभी बस आप लोग ये नोट कीजिए कि गैंट चार्ट एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसकी हेल्प से हम लोग शेड्यूल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए क्वालिटी जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ऑब्वियसली आप 50 लाख में कोई घर बना रहे हैं कोई आदमी 5 करोड़ में घर बना रहा है कोई 500 करोड़ में घर बना रहा है तो घर ही बना रहे हैं सब लोग तीनों लोग रहने के लिए घर बना रहे हैं लेकिन तीनों के जो क्वालिटी जो वर्क ऑफ क्वालिटी या क्वालिटी ऑफ वर्क में जो डिफरेंस होगा वो काफी अंतर होगा तीनों का फर्श तीनों का बाथरूम तीनों के कहते हैं केस तीनों मकान के कहते हैं क्या नाम है टेरेस या फिर तीनों मकान का जो पार्किंग स्पेस या क्या कहते हैं क्या नाम है बगीचा ये सारी चीजें बहुत डिफरेंट होंगी उनकी क्वालिटी में बहुत अंतर होगा तो जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले से ही हम लोग कुछ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हम लोग अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और उस प्रोजेक्ट को कैरी आउट करते समय उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते समय हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि काम तो पूरा हो लेकिन काम के साथ साथ क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज ना आने पाए अगर आपने अब जैसे हम लोग का नॉर्मली जो मकान हम लोग लेते हैं 30-40-50 लाख में बन जाते हैं अगर ऐसी क्वालिटी का काम आपने मुकेश अंबानी के घर में कर दिया तो फिर उसको घर कंप्लीट होने से उसको कोई मजा नहीं आएगा वो कहेगा भाई इतनी खराब ठीक है कमरे बना दिए लेकिन इतनी खराब क्वालिटी के बनाए अब क्या कहते हैं क्या नाम लेके और या फिर अगर हम आप कहें कि भाई हमारा मकान बनाने के लिए नॉर्मल लोगों का मकान बनाने के लिए अगर कोई कहे कि भाई 500 करोड़ रुपए लग जाएंगे तो फिर हम दे ही नहीं पाएंगे उतने तो या हम 5 करोड़ नहीं दे पाएंगे तो क्या कहते हैं क्वालिटी जो होती है वो कॉस्ट से बहुत हद तक रिलेटेड होती है और ये एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होता है जो कि हम लोग माइंड में ले करके चलते हैं और जब प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे होते हैं तो उसी क्वालिटी को अचीव करने की कोशिश करते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं इसमें लिखिएगा Any project have predetermined quality requirements